डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रेकरेंस रिलेशन, और इस रेकरेंस रिलेशन को बहुत ही ईजी वे से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी स्टूडेंट्स डा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एल्गोरिदम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पहला ही टॉपिक जो है ना वो आपका रेकरेंस रिलेशन का आ जाता है, और वहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो मैं आपको बता दूं गाइज, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप 5-7 रेकरेंस रिलेशंस को सॉल्व करके देखो, बहुत ही इजी लगेगा। और फिर आप जब उसके बाद एल्गोरिदम पूरा अच्छे से पढ़ोगे, तब आपको पता लगेगा अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं था, इतना लॉजिकल, इतना कॉन्सेप्चुअल, इतना मजेदार सब्जेक्ट है। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है tn इज इक्वल टू 2tn by 2 plus n। तो सबसे पहले आपको यहां पे चेक क्या करना है, आपको यहां पे चेक करना है कि जो मेरी n की वैल्यू है ना वो n by 2 में कन्वर्ट हो रही है, मतलब n जो है वो n by 2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेट्स सी, अगर मैं tn by 2 फाइंड आउट करूं, मतलब कहने का कि आप n की जगह अगर n by 2 फाइंड आउट कर लोगे, मतलब n की जगह अगर आपने n by 2 पुट कर दिया, तो यहां पे फिर क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे आपका बन जाएगा ये 2tn by 4 बन जाएगा, प्लस इस n में आप n by 2 पुट कर दोगे तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2tn by 2 है। अब इस n की जगह आप n by 2 पुट करोगे, 2 इसमें ऑलरेडी है, तो ये n divide by 2 into 2 क्या हो गया, n by 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हो। देन अगर हम बात करें यहां पे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस तरीके से, पूछ लेते हैं आपको कि यार अगर मैं n by 4 पुट कर दूं यहां पे, लेट्स सी अगर मैं tn by 4 पुट कर दूं, मतलब n की जगह अगर मैं n by 4 पुट कर दूं तो क्या होगा, यहां पे बन जाएगा 2tn by 4। अब n की जगह n by 4 पुट करो, यहां पे n की जगह n by 4 पुट करोगे तो n by 4 और ऑलरेडी यहां पे 2 है, तो ये n by क्या हो गया, 8 हो गया। तो n by 8 प्लस इस n की जगह n by 4 पुट करोगे तो ये n by 4 इस तरीके से हो गया। तो ये हमने सिर्फ दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं ताकि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सके। तो n की जगह मैंने पहले n by 2 पुट किया तो ये n by 4 हो गया, और ये n by 2 का एज इट इज, ये n by 4 पुट किया तो ये n by 8 हो गया और ये n by 4। अब लेट्स से ये मेरी थी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने करना क्या है, इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, मतलब n by 2 हमने फाइंड आउट कर लिया, इस जगह ये tn by 2 की जगह जो है ये पूरा का पूरा पुट कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये 2 मेरा बाहर आ गया, ये वाला 2 जो है वो मेरा एक तरह से बाहर आ गया, tn by 2 की जगह ये सारा पुट कर दिया, तो 2tn by 4 प्लस n by 2 ये आ गया, प्लस मेरा ये n as it is है, ये वाला n मेरा जो है वो as it is था ही, तो वो मैंने बाहर ले लिया। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 2 square t n by 2 square, 4 को मैं 2 square लिख सकता हूँ, प्लस n divide by 2 है और बाहर ये 2 है, तो इस 2 से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये n और ये बाहर ऑलरेडी एक n है ही, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 square t n by 2 square plus 2n, ठीक है। अब यहां पे मेरे को देखो क्या बन गया, tn by 2 square, tn by 2 square, तो ये tn by 2 की पावर 2, इसको हम क्या बोल सकते हैं, tn by 4 बोल सकते हैं। तो tn by 4 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, ये रहा, तो यानी अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किया कुछ भी नहीं है, n की जगह n by 2, n by 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर अब n by 4 हमने ऑलरेडी लिख रखी है, तो n by 4 हम इस जगह पे पुट कर देते हैं, बाकी की वैल्यू एज इट इज। तो देखो इसकी जगह अगर पुट करें तो 2 स्क्वायर मेरा बाहर एज इट इज है, ये 2 स्क्वायर मेरा बाहर एज इट है, सिर्फ ये tn by 4 की जगह ये सारा का सारा पुट कर दो। तो जैसे ही ये सारा का सारा पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2t ये वाली 2tn by 8, 2tn by 8 लिख लो या 2 की पावर 3 लिख लो, बात एक ही है, प्लस n by 4 प्लस
एन बाई फोर प्लस मेरा ऑलरेडी 2n है, तो ये 2n मेरा बाहर है ही, बस मैंने सिर्फ इतनी जगह पे, ये इतनी जगह पे मैंने ये सारा जो है ये वाला सारा पुट कर दिया, इसको एज इट इज यहाँ पे डाल दिया, बाकी मेरी जो वैल्यूज थी वो मैंने एज इट इज लिख दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन गया, 2 क्यूब टी एन बाई 8 या 2 की पावर 3 लिख सकते हो इसको, प्लस ये n से n डिवाइड बाई 4 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या है 4, तो इस 4 से मेरा ये एक तरह से कट गया, ये n का एज इट इज, तो ये 2n हो गया, ठीक है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक तरह से आप 3n ही लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे हमें सीक्वेंस पता लग गया, सीक्वेंस कैसे पता लगा कि नेक्स्ट जो है वो क्या बनेगी, 2 की पावर 4 टी एन बाय 2 की पावर 4 प्लस 4n, ठीक है ना, क्योंकि पहले मेरी बनी थी 2 स्क्वायर टी एन बाय 2 स्क्वायर प्लस 2n, फिर बनी 2 क्यूब टी एन बाय 2 क्यूब प्लस 3n, फिर बनेगी ऑब्वियसली 2 की पावर 4 टी एन बाय 2 की पावर 4 प्लस 4n, इससे नेक्स्ट क्या बनेगी, 2 की पावर 5 टी एन बाय 2 की पावर 5 प्लस 5n, मतलब आपको ये बना के देखनी, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मेरा n जो है वो n बाय 2 फिर n बाय 2 स्क्वायर इस तरीके से कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको k टाइम्स अगर हम चलाएं, k टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर k t n बाय 2 की पावर k प्लस k n, ये बन जाएगा ऑब्वियसली अगर मैं k टाइम्स चलाऊंगा इसको। अब होता क्या है, यहां तक जो है वो स्टूडेंट्स को ना मैक्सिमम समझ आ जाती है कहीं ना कहीं अगर वो प्रैक्टिस करते हैं, यहां पे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं कि सर इसके बाद हमें क्या करना है। हमेशा याद रखो कि यार जब भी हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना, k टाइम्स चला दिया, बस मुझे किसी तरीके से इसको खत्म करना है, इस वाले को, क्या कि अगर मेरा ये फंक्शन जो है वो खत्म हो जाए, इसको मैं टर्मिनेट कर दूं, तो मैं बाकी वैल्यूज को सॉल्व करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये इसको खत्म करने के लिए हम यूज करेंगे, हमारे पास जो है वो दिया हुआ है टी ऑफ वन, यहां पे क्या दिया हुआ है कि मेरी वैल्यू कब आती है 1, व्हेन टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब क्या है कि इस जगह पे मुझे 1 लाना है, इस जगह पे मुझे क्या करना है 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करो, आप n बाय 2 की पावर k को ही 1 के बराबर पुट कर दो, क्यों, क्योंकि यहां पे टी ऑफ 1 बन जाएगा, और टी ऑफ 1 क्या है 1, वो मेरे को ऑलरेडी टर्मिनेशन कंडीशन में दिया हुआ है, तो n बाय 2 की पावर k को ही हम क्या कर देते हैं 1 के बराबर पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 2 की पावर k, दोनों तरफ log अगर हम लेंगे तो ये log n इज इक्वल टू log 2 की पावर k। अब यहां पे आपको पता है ये log जो हम ले रहे हैं बेस 2 ही है, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, बेस 2, तो ये k आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा k, और इधर log n, तो आप कह सकते हो कि k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, log n के बराबर आ गई, और ये log 2 बेस 2 क्या होता है 1 होता है, तो इधर k डॉट 1 मतलब k ही आ गया, आपको स्टेप जो है वो क्लियर हो गया होगा, तो k की वैल्यू log n यहां पे आ गई, बस वो हम यहां पे पुट कर देते हैं, ये मेरा क्या बन गया एक तरह से 2 की पावर k, ये तो मेरा t ऑफ 1 ही है प्लस k n, ठीक है ना, ये मेरा t ऑफ 1 क्या है 1, हमने ऑलरेडी इसीलिए तो इसको टर्मिनेट किया है, तो 2 की पावर k को मैंने n के बराबर पुट किया, तो ये तो बन गया n डॉट, ये तो मेरी वैल्यू क्या है 1 प्लस k की वैल्यू मैंने अभी निकाली है log n, तो log n और साथ में क्या है n मल्टीप्लाई में है, ये वाला n मल्टीप्लाई में है, तो एक तरह से ये n डॉट log n हो गया, मतलब n log n हो गया, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई n प्लस n log n बन गई, तो वैसे तो आंसर ये आ गया एग्जैक्ट, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपको लिखा क्या होगा ऑर्डर ऑफ n log n, उसका रीजन क्या है, इन दोनों टर्म में से n और n log n में से जो बड़ी टर्म कौन सी है, डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, बड़ी टर्म है एन log n, तो इसीलिए आपको ऑर्डर ऑफ एन log n इस तरीके से लिखा होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रेकरेंस रिलेशन। थैंक यू।